क्लास 12th में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है उन सभी बच्चों के लिए बढ़िया रहने वाली है। आज हम मैथ्स का सिलेबस देखने जा रहे हैं, सेशन है आपका 2023-2024। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो आपकी यूनिट रहेगी, ये 6 यूनिट आने वाले आपके पेपर में। यूनिट नंबर 1 है आपकी यहाँ पर रिलेशंस एंड फंक्शन, और यहाँ पर जो है आपकी सेकेंड यूनिट है वो रहेगी आपकी एलजेब्रा, एंड थर्ड रहेगी आपकी कैलकुलस, फोर्थ रहेगी वैक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एंड फिफ्थ रहेगी आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड सिक्स रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद मार्क सिस्टम का यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मार्किंग क्या रहेगी। रिलेशन एंड फंक्शन आएगा आपका 8 मार्क्स का, एलजेब्रा आएगा आपका 10 मार्क्स का, एंड यहाँ पर जो आपका कैलकुलस रहेगा ये सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, 35 मार्क्स का आने वाला है आपके पेपर में। यानी कि यहाँ पर से अगर आप कोई बच्चा अपनी पेपर की तैयारी भी नहीं करता, अगर वो कैलकुलस कर लेता तो फिर वो आराम से यहाँ पर पास हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है आपकी वैक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एंड ये आएगी आपके यहाँ पर 14 मार्क्स की। तो वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री भी आपका ज़्यादा जो है वेटेज लेता है, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जो रहेगा आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 रहेगा आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पर 8 मार्क्स की। अब मैं आपको बताया तो कि आपको यहाँ पर जो है जब आप इन सभी मार्क्स को टोटल करेंगे तो फिर आपके बन जाएंगे यहाँ पर 80 मार्क्स। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ रिलेशंस एंड फंक्शन जितने भी आपकी यूनिट्स थी, रिलेशंस एंड फंक्शन, एलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एंड जो यहाँ पर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी है, इन सभी में आपके कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। पहला है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर आपके ये टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड जो फंक्शन के टाइप्स हैं 1-1 एंड ON2। तो ये आएंगे आपके रिलेशन एंड फंक्शंस के जो टॉपिक्स हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें से आपके ये सारे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सारे सारे आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉपिक हुए। इसके बाद आता है आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपके 2 टॉपिक्स रहेंगे, 2 चैप्टर्स रहेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैट्रिसेस है, यहाँ पर आपने जितने भी ऑपरेशन पढ़े होंगे मैट्रिसेस पर, वो आप सभी के पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है वो आ रहा है, इक्वालिटी आ रही है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ रहा है, 0 एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये आ रहा है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये भी आ रहा है आपका, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और जो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर है ये भी आपका पेपर में आ रहा है। अब इसके बाद सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये सारे सारे टॉपिक्स जो हैं आपके पेपर में आ रहे हैं। तो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से इशू हुई है उसमें सारे सारे टॉपिक्स वो हटा दिए गए हैं जो आपके पेपर में नहीं आने वाले, तो फिर आप उस वाली बुक को फॉलो कर सकते हो अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर आप फ्यूचर में अगर JEE CUET देना चाहते हो तो फिर आप सारे का सारा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि उसमें जो है सीबीएसई वाला सिलेबस नहीं आता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में जो है आपको पता ही होगा डिटरमिनेंट आपका वैलिड होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स पर, जिसमें उसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, 3x3 का होना चाहिए, 4x4 का होना चाहिए या 2x2 का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर आपका माइनर्स माइनर निकालना होता है, कोफैक्टर्स निकालना होता है एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इन सब पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक आपकी लीनियर इक्वेशन दे दी जाएगी आपकी क्लास 10th की तरह, पर आपको उसको फाइंड किसकी हेल्प से करना होगा, उसको मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की हेल्प से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका जो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का वो फाइंड करने के लिए, तो ये सारी सारी चीजें आपको आनी चाहिए डिटरमिनेंट में। इसके बाद आता है आपका कैलकुलस, जैसे कि मैंने आपको बताया कैलकुलस आपका पूरा पूरा पेपर कवर करता है ज़्यादातर, तो यहाँ पर से आपका 35 मार्क्स का जो है कंटेंट आपके पेपर में आने वाला है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी,
तो यहाँ पर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दे देता हूँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर जो है कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, और यहाँ पर डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो ये सारे सारे जो टॉपिक्स है वो आपके यहाँ पर इस वाले चैप्टर से कवर हो जाएंगे। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इसी का पार्ट है, कैलकुलस का। तो इसमें आपके ये सारे के सारे जो है टॉपिक होंगे यहाँ पर से आप नोट भी भी कर कर सकते हैं, सकते और हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है मैं आपसे एक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स में आपके ये सारे सारे टॉपिक्स हैं इंटीग्रल्स के। तो इंटीग्रल्स के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर से आप कवर कर लेना। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो फिर इसमें जो है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर द अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल, पैराबोलास, एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। इसके बाद इसी में आपका फिफ्थ चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर आप देख रहे हो कितना सारा यहाँ पर जो है चैप्टर कैलकुलस में ही कवर है। तो फिर इसको आप अच्छे से कर लेना। आपके जो है अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका आता है फिफ्थ चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे सारे आपके इसके सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। इसके बाद यूनिट नंबर फोर्थ पे चलते हैं, वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री। इसमें जो है पहला चैप्टर है आपका वेक्टर्स। अगर आप में से कोई अगर साइंस का स्टूडेंट होगा तो फिर उन्होंने फिजिक्स में हल्का सा क्लास 11th में वेक्टर सीख रखा है, पर यहाँ पर मैथ्स की वेक्टर आएगी, वो वाला तो होगा ही कंटेंट जो आपने वहां पे पढ़ा है। यहाँ पर भी थोड़ा एडवांस होता है। तो यहाँ पर वेक्टर एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, टाइप ऑफ अ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपके इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, एंड यहाँ पर जो है पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, एंड यहाँ पर जो है पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन दी गिवन रेशियो, एंड यहाँ पर जो है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपको वेक्टर्स में सीखना पड़ेगा। और इसके बाद आता है आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो है आपके ये सारे सारे टॉपिक्स है, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो ये सारे सारे आपके टॉपिक्स थ्री डी ज्योमेट्री के। इसके बाद यूनिट नंबर फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फिर ये सारे सारे आपके जो है टॉपिक्स हैं किसके, लीनियर प्रोग्रामिंग के। तो फिर ये सारे सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर से कवर करने हैं। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों को कठिन भी लगता है पर इतना कठिन है नहीं। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पर जो है बेयस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दे रखा है कि यहाँ पर जो है वेटेड सिस्टम बता रखा है। तो इतना आपका सिलेबस था जो मैं आपको बता चुका हूँ, और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के सिलेबस चाहिए होंगे तो फिर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी की सारी वीडियोस का लिंक आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप टच करेंगे तो फिर आपको सारी की सारी वीडियोस का जो है लाइन वाइज सारी की सारी वीडियोस वहां पर आपको क्रिएट कर दी गई हैं, वहां पर से आप सारे के सारे सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।